हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोज कॉइन के बारे में कि आने वाले समय में जो उसका नेक्स्ट बाय टारगेट क्या रहने वाला है और क्या हमको भी इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें जो डोज कॉइन में आज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग हमको इसमें देखने को मिली है। अगर हम बात करें जो डोज कॉइन का जो वन डे का जो हाइट प्राइस है वो है 12 रुपये 90 पैसे। अगर हम बात करें इसके वन डे के लोएस्ट प्राइस तो है 11 रुपये 21 पैसे। जो आज हमको इसमें इंक्रीजिंग देखने को मिली है वो देखने को मिली है 6.98% की। तो इसमें आज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजिंग हमको देखने को मिली है। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे, सर प्लीज़ बताइए कि आने वाले समय में कितनी इंक्रीजिंग हमको देखने को मिल सकती है और क्या हमको अभी इसको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों ने पहले इसको बाय करके रखा, अब क्या अभी इसको होल्ड करके रखा है, सेल आउट करके निकल जाए। अगर हम बात करें जो डोज कॉइन का जो फिलहाल करंट प्राइस चल रहा है 12 रुपये 65 पैसे। अगर हम बात करें इसका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला, इसके लिए सबसे पहले हम इसके 1 ईयर के प्राइस चार्ट पे जाएंगे। अगर हम बात करें डोज कॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया वो लगाया है 58 रुपये का आसपास। अगर हम बात करें इसके डोज कॉइन का जो ऑल टाइम 1 ईयर का जो लोएस्ट प्राइस है वो है 4 रुपये 91 पैसे। तो इसने अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया था वो लगाया था मई 2021 में। अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद लगातार इसमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हमको देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट पंपिंग हमको इसमें देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी जून 2021 में। जून 2021 के बाद काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने के बाद जो नेक्स्ट पंपिंग हमको इसमें देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी अगस्त 2021 में। और अगस्त 2021 के बाद जो नेक्स्ट पंपिंग हमको देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी इसमें अक्टूबर 2021 में। अगर हम बात करें जो डोज कॉइन में जब पंपिंग स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 6 अप्रैल 2021 को। 6 अप्रैल 2021 में इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें पंपिंग हमको देखने को मिली थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 अप्रैल, तो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पंपिंग आज भी स्टार्ट हो गई है। अगर हम बात करें इसका नेक्स्ट पर टारगेट रहने वाला और रहने वाला है इसका 15 रुपये के आसपास, जो हमको देखने को मिल सकता है 10 अप्रैल तक। तो जिन लोगों ने भी तो इसको बाय नहीं किया तो बाय कर सकते, क्योंकि इसमें जो अप्रैल मंथ में काफ़ी ज़्यादा पंपिंग हमको इसमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो उसने अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया था वो लगाया था मई मंथ में। अगर हम बात करें मई 2021 में ऑल टाइम हाई लगाने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन हमको देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट पंपिंग हमको इसमें देखने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है अप्रैल के एंडिंग तक और मई के स्टार्टिंग में। तो अप्रैल मंथ में जो लास्ट में इसका जो प्राइस टारगेट रहने वाला और रहने वाला इसका 25 रुपये के आसपास। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको बाय नहीं किया तो बाय कर सकते हैं।